हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 99 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट पटना में चल रहा है, BSC अकेडमी में। जो लोग पटना से इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं, राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, देखो सवाल में हमारा क्या है। सवाल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस सवाल को मैं दो तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले रेशियो, ठीक है, जो कि सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच है इस सवाल को बनाने का। दूसरा जो मैं बनाऊंगा वो है थोड़ा फंडामेंटल हमारा। ठीक है, तो जानना आपके लिए दोनों ही ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, देखो सवाल में क्या बोल रहा है। ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर, एक वेसल में मिल्क एंड वाटर है। कंसनट्रेशन ऑफ मिल्क इज 12%, मिल्क का कंसंट्रेशन जो है वो 12% है, यानी 12/100 कर देते हैं यहाँ से, तो 4 से काट देंगे, 3, 4 से कट जाएगा 25, यानी कि 3:25 कितना, 25। अगर हम बोल दें कि टोटल हमारा 25 था, तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, यानी मिल्क हम यहाँ से लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो वाटर कितनी हो जाएगी, 25 में 3 चले जाएगी, यानी कितना, 22। ठीक है, फिर आगे ये रेशियो निकल गया हमारा। क्या बोल रहा है, 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज विदड्रॉन, 10 लीटर बाहर निकाल जाता है। तो जब 10 लीटर बाहर निकालता है, तो मिक्सचर जब बाहर निकलता है तो उसके रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि रेशियो क्या रह जाएगी, 3:22, क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ता है सिर्फ। एंड रिप्लेस्ड विथ 8 लीटर ऑफ प्योर वाटर, और क्या करता है, इतना नहीं, 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद 8 लीटर प्योर पानी इसमें मिला देता है। तो पानी मिलाता है तो उसका रेशियो क्या होता है वो देखो दिए हुए है। इफ द मिल्क कंसंट्रेशन इज 11.11%, मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, 11.11%, इसी को हम लोग बोलते हैं 11 whole 1/9%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/9। सेम जैसे यहाँ पे क्या था, वैसे यहाँ पे भी 9 हमारा टोटल अगर हो जाएगा तो मिल्क कितनी, 1, तो वाटर कितना हमारा, 8। ये कब हो रहा है, जब उसमें 8 लीटर पानी मिला देने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि मिल्क और वाटर का अब जो रेशियो हो जाएगा 1:9 में 1 चला जाएगा, यानी कितना, 8। ठीक है, देखो सेकेंड स्टेज के बाद क्या हो रहा है, मिल्क जो है हमारा सेकेंड स्टेज हम लोग डाल क्या रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और हमारा मिल्क क्या होगा सेकेंड स्टेज के बाद, इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे, तो ये मुझे क्या दे देगा, 3:24। अब देखो यहाँ पे मिल्क भी 3, यहाँ भी 3, बराबर हो गया। 22 में 24 जब इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2 यूनिट जो है किसके इक्विवेलेंट है हमारा, कितना हम पानी डाल रहे हैं, 8 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 2 यूनिट जो है हमारा 8 लीटर वाटर के इक्विवेलेंट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। ठीक है, अब देखो सवाल में यहाँ पे 22 और 23, ठीक है, 22 और 3 मिलके हमारा होता है 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 4, दैट इज नन अदर देन 110 लीटर। ठीक है, सॉरी 100 लीटर, दैट इज नन अदर देन 100 लीटर। ठीक है, तो 100 लीटर जब हमारा निकल गया, तो यहाँ तक निकला, कब निकला ये 100 लीटर, जब हम लोगों ने 10 लीटर मिक्सचर निकाला था तब, यानी कि इनिशियली हमारे पास कितना था, इनिशियली बीकर में था हमारे पास 100 लीटर, और प्लस में क्या, 10 लीटर जब आए थे तो निकालते हुए आए थे, वापस ऊपर जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे, यानी कि कितना हो गया, 110 लीटर। ठीक है, अब इनिशियली हमको 110 लीटर मालूम हो गया, तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, और वहाँ पे बोला है एंड इनिशियली द वेसल वॉज फिल्ड अप टू 11/12 ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी कि उसके कैपेसिटी जो था, उसके कैपेसिटी का वो 11/12 ही भरा हुआ था, और वो कितना है 11/12, 110 लीटर। तो मुझे कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी निकाल देंगे यहाँ से 10 बार में, कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी, 120 लीटर, और इसके साथ हमारा जो आंसर है वो है 120 लीटर। ये तो हो गया हमारा रेशियो से सॉल्व करना। अब इस सवाल को फंडामेंटली हम लोग देखते हैं, फंडामेंटली इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो फंडामेंटली क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं टोटल उस टाइम कंटेनर में जो मिल्क और वाटर मिला के था, वो मिल्क और वाटर मिला के था हमारा 100x। ठीक है, मिल्क और वाटर मिला के कितना था, 100x। तो 100x का ही 12% क्या था हमारा, मिल्क था, और बाकी रिमेनिंग क्या था, वाटर था। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 12x, एंड रिमेनिंग 88x हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज विड्रॉन, तो 10 लीटर जो निकाला है उसमें भी तो मिल्क 12% निकलेगा एंड वाटर 88%, तो 12% जब 10 लीटर का हम लोग निकालेंगे, तो 10 लीटर का 12% कितना होगा, 1.2 लीटर, एंड 88.8 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा। बस यहीं से सवाल सॉल्व हो गया। सबसे पहले मिल्क और वाटर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मिल्क के कंडीशन में क्या किया है, 12x लीटर था मेरे पास, उसमें से मैंने 1.2 लीटर घटा दिया। ठीक है,
वाटर में हमें क्या करना है, वाटर में देखो स्टार्टिंग में था हमारे पास 88x, ठीक है, उसमें से मैंने क्या घटाया 8.8 लीटर और उसके स्थान पे क्या डाल दिया 8 लीटर प्योर वाटर डाल दिया। और इसी के साथ मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये क्या हो गया, मिल्क का परसेंटेज आपको दिए हुए, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो कि 9 टोटल है हमारा, सेम वही चीज़ एक हमारा क्या हो जाएगा मिल्क और बटा में 8 हमारा क्या हो जाएगा वाटर, ठीक है, यानी कि फाइनल रेशियो मिल्क और वाटर का यही होगा। तो जहां से जब हमारा 1:8 हो गया तो इसी को सॉल्व करना है। देखो जहां से 8 से सारा ये कट जाएगा बिल्कुल आसानी से, 8 से कटेगा ये 1 बार में, ये कटेगा 1.1 बार में और ये कटेगा हमारा 11 बार में, ठीक है। अब यहां पे देखो इसी को जस्ट हमें सॉल्व करना है, ये दोनों तो 1:1 हो गया तो ये नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो जाएगा। 12x माइनस में 1.2 इज इक्वल टू 11x, 1.1 में 1 चला जाएगा यानी माइनस में कितना 0.1, ठीक है। अब यहां से 12x में 11x चला जाएगा यानी कि सीधा सीधी x 0.1 और प्लस में 1.2 ये हमें क्या देंगे 1.1 देंगे, यानी कि 11 अपॉन में कितना 10। x की वैल्यू जब 11 अपॉन में 10 निकल गई तो बीकर में जो मिक्सचर था उसकी वजन क्या है, टोटल हम लोग कितने माने था 100x, यानी कि 100 × 11/10, ठीक है, 0.0 खत्म हो गया यानी कि कितना आ गया 110, यानी बीकर में उस टाइम कितना अवेलेबल था 110 लीटर क्वांटिटी अवेलेबल थी। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि इनिशियली द वेसल वाज फिल्ड अप टू 11/12 ऑफ द कैपेसिटी, सेम वही चीज, कैपेसिटी का 11/12 था और 11/12 कितना था 110 लीटर, फिर यहां से काट देना है 10 बार में, कैपेसिटी कितनी निकल जाएगी 120 लीटर और इसी के साथ हमारा जो आंसर है कैपेसिटी ऑफ द वेसल वो कितना है 120 लीटर है, ठीक है। सवाल को मैंने दोनों तरीके से बता दिया, रेशियो से भी और फंडामेंटली, ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे वो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो और मेरी मानो तो आप दोनों ही चीज़ों को अडॉप्ट कर लो, कभी भी एग्जाम में फंसोगे नहीं, ठीक है।